आज अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति कल्याण ने अधिकृत एसटी और पीआरसी दस्तावेजों के कब्जे में गैर एपीएसटी व्यक्तियों के बारे में आशंका व्यक्त की। मीडिया को संबोधित करते हुए एपीएसटी डब्ल्यूएस यानी अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी ने ऐसे कई उदाहरणों पर प्रकाश डाला जहां गैर अरुणाचल आदिवासी पुरुषों के बच्चों को संदिग्ध तरीकों का उपयोग करके एपीएसटी प्रमाण पत्र प्राप्त करना पाया गया। परिणाम स्वरूप उन्होंने अनुरोध किया है कि ऐसे कार्यों में शामिल व्यक्ति स्वेच्छा से अपना अनुसूचित जनजाति और स्थायी निवास प्रमाण पत्र सरेंडर कर दें। इसके अतिरिक्त उन्होंने इन चिंताओं को दूर करने के लिए प्रत्येक जिले और मंडल में एक जांच करने की योजना का भी खुलासा किया। इसके अलावा उन्होंने इन मुद्दों के समाधान के लिए प्रत्येक जिले और सर्कल में जाँच करने के अपने इरादे का खुलासा किया है। मैं बताना चाहूंगा, हमारा संगठन है नवीन ट्राइचर ऑफ द सोसाइटी अरुणाचल प्रदेश सिडोल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी स्थापित किया है 2020 को। ये नया है और हम लोग ये रखने चाह रहा हूँ अरुणाचल में या ले लो किसी को, हमारा अरुणाचल में हर चीज का कोई सही नहीं लगता, इसलिए हमारा अरुणाचल प्रदेश के सिडोल ट्राइब्स की बेनिफिट्स को हम सही तरह नहीं मिले। हम बहुत सारा लोगों ये ऑर्गेनाइजेशन को सुना है, यूनिट को भी देखा, उन्होंने भी साइट ये सब मुद्दा उठाया हुआ ऑफिस के द्वारा। जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में हमारा एसटी का कोटा बिल्कुल हम सबको सही तरीके से मुझे नहीं दिलाता, हमारा यहाँ के जितना भी एजुकेटेड जितना भी जो युवा पीढ़ी है, तो आज हम ये एक्सरसाइज करने आया। मैं किसी को तकलीफ पहुँचाने नहीं आया, मैं किसी का अच्छाई के लिए आज यहाँ पे इस मीडिया क्लब पे आया हूँ। इसलिए जो हमारा जो सदर ट्राइब्स जो बेनिफिट्स मिलता है हमारा अरुणाचल में, जो हमें सही तरीके से मिलना चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ में मिक्सअप, तो मैं यहाँ सच्चाई में करवा होता है। हम यहाँ एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, कोई करप भी हो सकता है, डिमेरिट मेरिट के साथ नहीं जाता है, तब जाके सही होता है। या किसी किसी को मतलब जो पहले से जो नॉन ट्राइबल में शादी होके ट्राइबल में जो एसटी पीआरसी पाया जाता है, वो हमारा अरुणाचल के लिए गलत है। जो नॉन ट्राइबल में शादी के, चाहे मेरा बहन की शादी हो जाए, सीधा नॉन ट्राइबल का नॉन एपीएसटी का आप बेनिफिट ले लीजिए। हमारा अरुणाचल में एपीएसटी का बेनिफिट को नॉन एपीएसटी भी ले लें, इसलिए ये मैं सारा अरुणाचल प्रदेश को ये बताने या गुजारिश है, आप जितना भी जो या जो प्राइवेट एसटी पीआरसी जो गवर्नमेंट ऑफिसल है जो हमारा एसटी कोटा से जो एम्प्लॉय करता है, वो अपना आपको एक सरेंडर करने से अच्छा है एसटी या पीआरसी में जो कुछ भी आप जो इलीगल किया है। हमारा अरुणाचल में आज डिजिटल अरुणाचल हो गया, यहाँ कहीं कहीं चुपके नहीं बैठ सकता। मैं हर क्षेत्र से मैं ये एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी सर्कल में पाया जाएगा, हम ये मीडिया में दोबारा फिर लेके आएगा और हमारा स्किल स्टेप का ब्रीफिंग भी यहाँ चलेंगे। इसलिए मैं ये कहना नहीं चाहूँगा कि किसी का पर्सनल अटैक करने के लिए, किसी को पर्सनल प्रॉब्लम पहुंचाने के लिए नहीं चाहता हूँ। तो मजबूर में जब अब पाया जाएगा मैं पक्का लेके आया। इसलिए ये जो हमारा अरुणाचल में जो हमारा बिन्स ऑफ प्रोटेस्ट है, अब जब इलीगल पाया जाएगा मैं एफआईआर भी कर सकता हूँ और मैं बैनर शो भी कर सकता हूँ, मैं फ्लैगकार्ड भी कर सकता हूँ, मैं सोशल मीडिया फ्रेंड मीडिया में जा सकता हूँ और
और कोई भी मीडिया चैनल में आप जाके इसी के चर्चा में चला सकता हूँ। इसलिए मैं यह ऑर्गेनाइजेशन बनाया है अरुणाचल प्रदेश अधिक हमारा सारा अरुणाचल का फायदा फंड के लिए बनाया। इसलिए ये नहीं सोचना है कि ये सारा लोगों ने इतना ऑर्गेनाइजेशन बना के ये सारा मुद्दा उठाया था अरुणाचल में सक्सेस नहीं हुआ है। वो ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना का काम में ऊपर में ये निर्वाह है। इसलिए मैं ये कमियां को देख के मैं आज यहाँ प्रेस क्लब में आया हूँ। हमारा अरुणाचल में इस तरह का नहीं चलेगा। जैसे कि अभी एयरवे आ गया, आपका रेलवे आ गया, वहाँ से सीधा हमारा नॉन ट्राइवल भी बिना आईएमपी में आ जाता है। हम ट्राइवल हैं, बाद में पूछा जाने से बात ट्राइवल का और नॉन ट्राइवल में शादी हो गया, बाद में वो ट्राइवल नाम रखा। तो ये हम जो एक्सरसाइज करने जा रहा है, कोई भी आदमी कोई भी इंसान हमारा अरुणाचल में रह के हमारा ट्राइबल पीपल हमारा यहाँ का शादी होके सीधा नॉन ट्राइवल में गया तो वो अपने स्टेट में जाके बेनिफिट ले लीजिए और करप नहीं पाना है। कोई भी नॉन ट्राइबल कोई आदमी को यहाँ अपने घर में रखे आप पढ़ाया सिखाया अब नॉन एम एस टी का बेनिफिट ले लीजिए, हमारा एस टी का बेनिफिट को बिल्कुल छूना नहीं। और ये सब नहीं होने के लिए ये इलीगल जो फैब्रिकेट जो एस टी पी आर सी करता है जो इलीगल जो ऑनलाइन किया है मैं हम सब मिलके ये त्रासा पकड़ रहे हैं। और ये इतना इजी चीज भी नहीं है, हम आज बोल लिया कल या परसों एविडेंस और सुन लाएगा। ये नहीं, ये जिस दिन हम जब शुरू करेगा आज का डेट में जो हम ये मीडिया में आज जो 7 मई 2024 में हम यहाँ आवाज़ दिया है, मेरा आवाज़ जहाँ तक पहुँचा है आप लोग अपना आप को सरेंडर कीजिए और क्लेरिफाई कीजिए। जब जिस दिन आप लोग ढूंढने लगेगा, हम लोग तो अभी तो ढूंढ ही रहा है, और हम लोग आरटीआई के तहत किसी को पाया जाएगा सीधा मीडिया में हम लोग निकल जाएगा और मीडिया में हम लोग ये करेगा आपका लिस्ट आउट कर देगा। इसलिए यहाँ किसी को एनिमिटी लेना भी नहीं चाहिए और लेना भी नहीं चाहिए और एनिमिटी लेना भी नहीं। इसलिए जो भी करता है मैं अच्छा के लिए करने आया हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए ना हम पीछे हटेगा ना मैं किसी का बात सुनेगा। हमारा जो बाइलो में जो बोलता है बाइलो क्या बोलता है इसी का दौरान मैं काम करूँ। इसलिए इस्ती जो पी आर सी जो इसका जो हमारा अरुणाचल में इस्ती कोटा का एक्ट है इसका तहत कोई भी इसको छेड़खानी किया और पाया गया हम लोग उसको कार्रवाई करेंगे। इसलिए हमारा यहाँ अरुणाचल में तो हमारा इस्ती का हमारा जो बेनिफिट्स को मैंने तो फुल इंजॉय नहीं कर पाता है। हमारा यहाँ 80% है अदर्स ओबीसी जो अदर पैकर्ड क्लास को और जितना नॉन एपीएससी है वो लोग का 20%। तो इसलिए जो रिसेंटली जो पार्लियामेंट में तबल हुआ है हमारा माननीय पहले न्याय मंत्री था हमारा किरण रिजिजू, उसके बाद साइंस एंड आर्ट मिनिस्टर किरण रिजिजू ने हमारा इस्ती असली इस्ती को आज हम दिया है। इसलिए हमारा इस्ती जो चितौड़ ट्राइब्स को पहले हम लोग एक नमूना इस्ती मिला, आज हम ऑफिशियली इस्ती मिला है। इसलिए हमारा ऑल इंडिया में पार्लियामेंट में पास हो गया कि हमें असली इस्ती मिल गया ऑफिशियली। इसलिए अभी जो इस्ती है अपना अपना स्टेट में अपना अपना इस्ती का अलग अलग बेनिफिट्स है। इसलिए हमारा अरुणाचल का हम 100% मिलना चाहिए। तो ये जब आप किसी गवर्नमेंट को किसी पर्सनल आदमी को या हम तो पहुँचाने या कहीं तकलीफ देने के लिए नहीं आया है, हमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करना चाहिए। हमारा जो आने वाला गवर्नमेंट और जितना भी व्यूवर्स है हमारा अरुणाचल का जितना जानकार है जितना एनलाइटेंस है इतना अच्छा अच्छा जो व्यक्ति लेके बैठता है मैं उनके लिए काम करने जा रहा हूँ। तो मैं बहुत सारा समाज से हमने काफ़ी काम करके आया हूँ, मैं पार्टी में भी बहुत काम करके आया पॉलिटिक्स में भी, इसलिए मैं बहुत सारा क्षेत्र से देखा है।
इसलिए यहाँ कोच आता है, कोच इसका जो आवाज, इसका जो ब्लॉग होना चाहिए। तो आज हम जो ये लेके आया है, मैं ना पीछे हटूंगा ना किसी से डरूंगा, मैं जो भी काम करेगा अपना सही दिशा पे ले जाएगा। इसलिए इतना कमेंट्स करता है जो मीडिया में, जो अपना हृदय से लिखता है, जो कैरेक्टर को लोगों को दिखाता है, जो जानता है, अच्छा कमेंट कीजिए। वी हैव टू सपोर्ट व्हाट वी आर डूइंग। इसलिए जो अच्छा काम है आप सपोर्ट कीजिए। इसलिए जो बेड में सोया रह के, कोई चारपाई में सोया रह के आदमी को इतना खराब से तो होगा। जो अच्छा काम करने जा रहा है यू हैव टू सपोर्ट। तो ये मैं सिफारिश करता हूँ, जितना भी हमारा अरुणाचल प्रदेश की जनता, जितना भी जो युवा पीढ़ी है, ये आप लोग आने वाले जिंदगी को सही दिशा में ले जाने के लिए आज हमारा ऑर्गेनाइजेशन ये प्लेटफॉर्म में आया है, तो मुझे सपोर्ट कीजिए। आप सपोर्ट करेगा मैं पक्का सक्सेस करा दूँ। इसलिए जो कोरोना जो हासिल कर लिया, नॉन ट्रैवल होके भी ट्रैवल के सर्टिफिकेट फैब्रिकेट करके एम्प्लॉय कर लिया, कॉन्ट्रैक्टर बन गया, बिजनेस बन गया, मैं इसको भी एस्टैब्लिशिंग करेंगे हमारा टीम, और आने वाला को जरूर हम कंट्रोल करेगा। ये हमारा आप सबको, जितना भी जा रहा सारा अरुणाचल का जनता को, ये हम दावे के साथ बोल रहा हूँ, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, हम पक्का काम करेंगे। एक कहावत है, आप मुझे कुल डीजे में आजादी दिला दो, मुझे चंद्रशेखर आजाद दीजिए बोला। उसी तरह आज हम हमारा प्रेसिडेंट साहब यहाँ बैठा, मेरा राइट फ्रॉम माई प्रेसिडेंट राइट फ्रॉम राइट का जनरल सेक्रेटरी, आज हम सब ने यहाँ आया है। इसलिए जो बातों हम लोग का जो जो अभी जो इशू है, जो लोगों तक पहुँचा है, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, हम सेकेंड पेज पे फिर आएंगे। आज हमारा इशू का ये मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट है, और हमारा जो रोल है क्या करने जा रहा है ये हम बताने आया हूँ। इसलिए मेरा हम सबका जो हेल्पलाइन नंबर भी याद दिया हुआ है, अब ये हेल्पलाइन नंबर से कोई भी क्षेत्र में कोई पाया जाने से, जो इलीगल जो ऑप्टेन किया है, जो इलीगल जो अरुणाचल का सेरो ट्राइब्स को जो कार्सलिंग करता है, आप मुझे संपर्क कीजिएगा। मैं हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे ये दिया है, ये प्रेसिडेंस, ये लोकम तालो और स्पोक पर्सन पैदल ऑफिस सेक्रेटरी, उनका नंबर दिया गया है, आप मुझे संपर्क कीजिए और मैं भी आप सबके लिए संपर्क करने के तैयार रहूँगा। धन्यवाद।